हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गर्मी के मौसम में त्वचा संबंधी रोगों से बचने के बारे में। क्या कपड़े, टॉवल, हेयर ब्रश, कंघी आदि अन्य चीज किसी का इस्तेमाल करने से फंगल इन्फेक्शन फैलता है? इससे पहले इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, छुट्टियां मनाने और यात्रा करने के लिए गर्मी का मौसम बहुत अच्छा समय होता है। हालांकि यह अपने साथ सेहत की कई समस्याएं भी ला सकता है, जैसे कि स्किन में दिक्कत होना और संक्रमण। अगर हम अपनी त्वचा की उचित देखभाल करें तो हम सेहतमंद और संक्रमण मुक्त त्वचा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, गर्मी में ज़्यादा पसीना आता है, गंदी उंगलियों या नाखूनों से खुजलाने से त्वचा में संक्रमण हो सकता है, जिसे फोड़ा कहते हैं। भमोरियों से बचने के लिए गर्मियों में आपको हल्के और खुले सूती कपड़े पहनने चाहिए, जिससे त्वचा में खुजली ना हो। टाइट फिटिंग वाले सिंथेटिक कपड़े ना पहने। पसीना बहाने वाली बाहरी गतिविधियां, जिम के बाद कपड़े बदल लीजिए। अगर घमोरिया हो जाए तो गीले ठंडे छिड़काव से आराम मिलता है और ये जल्दी ठीक होते हैं। मच्छरों के काटने पर होने वाली खुजली से खरोंचने से त्वचा में कीटाणु आ सकते हैं, जिससे त्वचा का संक्रमण होता है। नाखूनों को नियमित काटिए। शाम के समय पार्क जा रहे हैं तो शरीर ढक कर रखें। फंगल संक्रमण, गर्मी के मौसम के दौरान त्वचा पर फंगल संक्रमण होना ज़्यादा आम हो जाता है। अंधेरे, नमीयुक्त और गर्म वातावरण में त्वचा में फंगस तेजी से विकसित होता है, खास तौर पर कुलों के बीच में, पैरों के उंगलियों के बीच में और नाखूनों में। बच्चों में आमतौर पर खोपड़ी भी प्रभावित होती है और इसकी वजह से बाल झड़ सकते हैं। यह फंगस तपती गर्मी में पनपता है, बहुत जल्दी फैलता है और उचित रूप से इलाज ना करने पर स्थिति बिगाड़ता है। फंगल संक्रमण से बचने की टिप्स। अंगों के आसपास की त्वचा को साफ सुखा रखिए। ऐसे कपड़े मत पहनिए जिनसे इस हिस्से में खुजली हो। खुली फिटिंग वाले अंडरगारमेंट्स चुनें। टाइट जीन्स और सिंथेटिक फैब्रिक ड्रेसेस से बचें। नहाने के बाद एंटी फंगल पाउडर लगाएं। पैरों को अच्छे से धोएं, विशेषकर उंगलियों के बीच। पब्लिक पूल, शावर का इस्तेमाल करते हुए शावर शूज या फ्लिप फ्लॉप पहनिए। हो सके तो हवादार जूते और सैंडल को पहनिए। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है गर्मी के मौसम में त्वचा संबंधी रोगों से बचने के बारे में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी और भी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिले। ईट हेल्दी, स्टे फिट, लिव हैप्पीली। बाय बाय।